क्या आपको पता है एक कंपनी में शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स का रोल अलग अलग होता है। दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है आज हम ये जानेंगे सिंपल तरीके से। एक कंपनी के दो मेन पिलर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स वो लोग हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं और डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी के इंटरनल कामों को मैनेज करते हैं। आइए पहले इन दोनों रोल्स को डिटेल में समझते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस रजिस्ट्रेशन या कोई भी बिजनेस से रिलेटेड सर्विस लेना चाहते हैं तो लीगल रास्ता से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स कंपनी के एक्चुअल ऑनर्स होते हैं। ये लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा लेते हैं। कंपनी का फायदा या नुकसान दोनों शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट पर असर डालते हैं। डायरेक्टर्स का काम कंपनी के इंटरनल अफेयर को देखना होता है। ये एंश्योर करते हैं कि कंपनी के डेली ऑपरेशंस स्मूथ चल रहे हैं और कंपनी लीगल कंप्लाइंसेस को पूरा कर रही है। डायरेक्टर्स कंपनी के बोर्ड को लीड करते हैं जहां बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। आइए अब समझते हैं कि इनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या फर्क है। शेयर होल्डर्स का काम है पैसा लगाना और कंपनी के प्रॉफिट्स में शेयर लेना, और वहीं डायरेक्टर्स का काम है कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट संभालना और सभी लीगल जिम्मेदारियों को पूरा करना। दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत जरूरी है। एक तरह से शेयर होल्डर्स ऑनर है और डायरेक्टर्स कंपनी के डेली कामों के मैनेजर्स। शेयर होल्डर्स कंपनी के बड़े डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड डिक्लेरेशन और डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना। डायरेक्टर्स का काम होता है कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करना, टैक्स और कंप्लाइंस का ध्यान रखना। शेयर होल्डर्स का वोटिंग पावर उनके शेयर्स पर डिपेंड करता है, मतलब जिसका जितना ज़्यादा शेयर होल्डिंग होगा उसका डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा होगा। लाइबिलिटी भी एक बड़ा फर्क है। शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, सिर्फ उतना पैसा जितना उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। डायरेक्टर्स की पर्सनल लाइबिलिटी होती है, अगर कंपनी कानूनी मुश्किलें फेस करती है या कंप्लाइंस फेलियर होते हैं तो डायरेक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स और 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और वहीं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7 शेयर होल्डर्स और 3 डायरेक्टर्स मैंडेटरी होते हैं, और अगर एक 1% कंपनी है तो सिर्फ एक ही शेयर होल्डर और डायरेक्टर की जरूरत होती है। शेयर होल्डर्स को कंपनी से निकालना मुश्किल होता है अनलेस NCLT या कोर्ट ऑर्डर पास करे, लेकिन डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स EGM के थ्रू हटा सकते हैं। डायरेक्टर्स को कंपनीज एक्ट के सेक्शन 164 के ग्राउंड पर भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। शेयर होल्डर्स को कंपनी के प्रॉफिट्स का हिस्सा डिविडेंड के रूप में मिलता है, उनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, और डायरेक्टर्स को उनकी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए रिम्यूनरेशन मिलता है। ये रिम्यूनरेशन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 197 के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो देखा शेयर होल्डर और डायरेक्टर का रोल कंपनी में कितना अलग है, पर दोनों ही एक गोल के लिए काम करते हैं, वो है कंपनी की सक्सेस। अगर आपको कंपनी फॉर्मेशन या बिजनेस रजिस्ट्रेशन की जरूरत है तो लीगल रास्ता के एक्सपर्ट से कॉन्टेक्ट करें। हम प्रोवाइड करते हैं GST, कंपनी फॉर्मेशन, FSI और हर तरह की बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्विसेज। हमसे कॉन्टेक्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.legalrasta.com पर जा सकते हैं, या फिर आप 8753008585 पर कॉल करके भी हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।